दिल्ली। हाय। फाइनली और वी आर गोइंग टू दिल्ली एंड सेकेंड टाइम बट दिस टाइम वी आर टुगेदर। ये आ गए हमारी फ्रेंड। पूछा जाएगा आपने सारा सामान लिया है अपना टिकट लिया है टिकट है आपके पास टेंशन नहीं रहेगा तुमको बिल्कुल है तो टीटी को दिखा दीजिएगा आप ऊपर चले जाइए। ये देखिए फर्स्ट ट्रेन में नहीं था बट राजधानी में ये है आप बॉटल रख सकते हैं ऐसे। बुआ ने इरेजर डाल दिया क्या चॉकलेट की जगह इसका इरेजर आ गया ये देखो जरा वाओ सो क्यूट। सबसे बेस्ट चीज मैंने देखी डस्टबिन बहुत सी। मामा कुछ बोलो मम्मा क्या कर रहे हैं आप मैं लटक रहे बहुत ये तो पूरा ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है आपका उफ चढ़ के दिखाइए आप कैसे चढ़िएगा अंकल भी यही बैठे हुए हैं दोनों यही हैं। गुड नाइट गुड नाइट। हम लोग दिल्ली पहुंच गए है ना यशिका कैसी रही आपकी मॉर्निंग और खाओ आइसक्रीम वही नहीं बता ये भी हंस रही है मुझे बिना दिए खाएंगे तो ऐसे ही होंगे रखा हुआ है पर पिघल गया उसका कोई महत्व नहीं लेकिन खा गया पति का अकेले और ये आ गए बहादुर भैया हम लोग को लेने लोग अब पहुंच गए हैं दिल्ली और अब जा रहे हैं हम लोग मौसी के घर और वहां चल के आप लोग को दिखाएंगे उनका नया घर और बहुत मस्ती होगी। पहुंच गए हैं घर कहे अरे बहादुर भैया डर हो गया लेट्स गो अरे वो सच में तो आगे बहुत लिफ्ट से जाना है क्या फायर ऊपर सीढ़ी से चलो गुड मॉर्निंग इतना प्यार देखो 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 तो अब हम लोग जा रहे हैं और घर को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ लिफ्ट है इसे आप बेसमेंट में जा सकते हैं और ये स्ट्रेट जाते हैं हम लोग पहले फर्स्ट फ्लोर पे और ये व्यू तो सच में ऑसम है। और अब चलते हैं ऊपर और ये है फर्स्ट फ्लोर ड्राइंग रूम में जो कि बहुत ही सुंदर है। ड्राइंग
पे अटैच है स्लाइडिंग डोर, जिससे आप बालकनी में जा सकते हैं और वहाँ के व्यू का मज़ा ले सकते हैं। और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इस हाउस को। और अब चलते हैं हम लोग किचन में। ये है किचन। गेस्ट आए हुए हैं इसलिए पूरा घर पूरे अच्छे से कैप्चर होना मुश्किल है, इसलिए मैं कुछ कुछ पार्ट आप लोग के लिए कैप्चर कर रही हूँ। ये है वॉशरूम जो कि मास्टर वॉशरूम है। ये सेकेंड रूम वॉशरूम। हाय, वेयर आर यू? ये देखो, ये देखो कितना सुंदर है अशिका, देखा आपने? इधर देखो, इधर देखो अशिका। देखी, अब आप चलिए, आप लोगों को ले चलते हैं बेसमेंट में। बेसमेंट के लिए आप लिफ्ट भी ले सकते हैं या फिर स्टेयर से भी आप नीचे आ सकते हैं। और ये है नीचे का बेसमेंट जो कि बहुत ही सुंदर है। ये है स्टोरेज और आगे आगे मैं बताती हूँ क्या क्या है। यहाँ पे स्टोरेज और ये है आपका पूल रूम। ये अभी सेटअप हो रहा है होम थिएटर का। चलते हैं हम लोग स्पेशल रूम में जो कि बहुत ही ख़ास है और बहुत ही सुंदर। ये ऊपर जाने का रास्ता और ये है वन ऑफ द बेस्ट रूम ऑफ दिस हाउस, स्टडी रूम। चीज़ों को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ की फीलिंग, वहाँ की वाइब्स ही अलग लेवल की होती है। तो वो कुछ ऐसी ही फीलिंग मुझे यहाँ आ रही थी। ये मतलब आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ बैठ के मुझे पढ़ना चाहिए। और अब ये रही मौसी और ये रही अशिका। उठाओ इसको। हाय बोलो। हाय हाय। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? कुलबीर जी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? होटल। और होटल आने के बाद यशिका और दीपांशु की मस्ती चल रही है। और ये चल रही है तैयारी पार्टी की। आज कुलवीर और अंकिता की शादी को एक साल हो गए, तो न्यू घर में आए भी हैं, उसकी भी खुशी है और इनकी सालगिरह की भी। पूरा घर सजकर रेडी हो रहा है, डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है। और ये है मेरी प्यारी नन्ही सी परी। मिली अशिका लीजा से। हाय पुचकू। ये लीजा। हाय लीजा। Hello, Lisa. वो happy हो गया है। वाह, कैसे लगा? यशिका, कैसा लगा आपको Lisa? प्रॉमिस कर रहा है वो मोबाइल ले देखेगा। वाह, वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? हो गया बस, अब ज्यादा मत घूमो तुम लोग। आए दूल्हे राजा, दुल्हनिया कहाँ गई? हैप्पी एनिवर्सरी।
क्या बात है, मेरा फर्स्ट गिफ्ट है। Happy anniversary! केक कटने की मैं देरी नहीं करूंगा, मैं मेन गिफ्ट पहले देता हूँ। क्या है वो मेन गिफ्ट? वाह, ब्यूटीफुल। मैं आज सब कुछ मैचिंग एक बार ये हैप्पी एनिवर्सरी दिखाओ थोड़ा। ये सही था मौसी का, फटा फट गाना गाइए। आए हाय फोटो। हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग ही फंक्शन था, पूरा घर सज के तैयार हो चुका था और बस पार्टी शुरू हो रही है। ये है मेरी प्यारी नीरा मौसी, ये बबली मौसी और ये मेरी मम्मी और ये भैया और पीछे चलते हैं। हाय कीजिएगा। हाय, ये मेरे पापा बेब यश, ये मौसी, ये कुकी, ये सो मच चाची। हाय, अच्छा नमस्ते। हाय अंकिता, ये है हमारी प्यारी अंकिता, उसकी शादी की सालगिरह में हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। हर चीज मनमानी, सलामत रहे, बारंबार बधाई, बारंबार बधाई, बारंबार बधाई। मैंने उसके साथ साथ नहीं बोला था।
क्या है यार, देखा डायनासोर। नेक्स्ट मॉर्निंग ही हमें वापस पटना जाना था, टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी से थोड़ा सा समय निकाल के मैं मिलने चली गई अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया से। समय थोड़ा सा कम था लेकिन फ्रेंड से मिलना तो बनता है। देखो कौन आया, देखो तो कौन आया। और टाइम आ गया है वापस पटना जाने का। आप पूछ रहे थे ना, हम लोग बग्गी पे बैठ के कहाँ जा रहे हैं? स्टेशन। इतना तेज चला रही है यशिका। बहुत सारी अच्छी यादों के साथ ये सफ़र हमेशा याद रहेगा, ये दिन हमेशा याद रहेगा। और अंकिता एंड कुलबीर, आप दोनों को आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोगों ने साथ में बहुत मस्ती की, बहुत अच्छी यादें बनाई, और आगे भी आप लोग इसी तरीके से हर साल एंजॉय कीजिए, हर साल सेलिब्रेट कीजिए। और हम सबकी ब्लेसिंग्स आप दोनों के साथ हैं। और जितने भी लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।